मोशन सच्चा मोशन विच बॉडी मूव्स हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली मूव करना होगा और वर्टिकली मोशन होगी इसके अंदर, मतलब मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाऊँ अगर, सही है, तो अगर आपको बना के दिखाऊं तो इस तरह से मोशन है यार, एक एक्स एक्सिस पे भी मोशन हो रही है और वाई एक्सिस पे भी मोशन हो रही है, सही है, मतलब एक्स एक्सिस पे भी फासला कवर हो रहा है और वाई एक्सिस पे भी फासला कवर हो रहा है। अब यहाँ ज्यादा कम ज्यादा हो रहा है, यहाँ वेरिएशन है, पीक पे आ गया फिर डाउन हो रहा है, सही है। एक्स जो है अच्छा ये चीज कहलाती है प्रोजेक्टाइल मोशन। एक चीज और है जिसको मुझे जिक्र करना था, मैं आप बोल गया, वो है अजम्पशंस। अच्छा ये बड़ा जबरदस्त चीज है, अजम्पशंस है, तीन अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। इन तीन अजम्पशंस के बगैर प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट नहीं होती है। पहला अजम्पशन क्या है, पहला अजम्पशन है ग्रेविटी इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द मोशन। भाई ग्रेविटी अगर कांस्टेंट नहीं होती, और एक्चुअल रियल लाइफ में ऐसा होता है, आपको पता है मैं अगर यहाँ से अमेरिका भेजूँ, सही है, किसी ऑब्जेक्ट को इन प्रोजेक्टाइल मोशन, तो जो डायरेक्शन पे मैं भेजना चाहूंगा उस डायरेक्शन पे वो पहुंचेगा नहीं, क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू वेरिएटेड मिलेगी उसको। नंबर वन, अगर फर्ज करो मैं ये भी अज्यूम कर लेता हूँ ग्रेविटी के ऊपर काबू पा लेता हूँ उस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, तो नंबर टू जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मिलती है वो क्या मिलती है, रोटेशन ऑफ अर्थ। तो हम कंसीडर करते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ भी क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है। एक्चुअली मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन फायर किया, सही है, एक एक पॉइंट से, अब मुझे जाना था दूसरे पॉइंट पर अर्थ में, लेकिन जैसे ही अर्थ क्या हुई, अर्थ एक्चुअली मूव कर रही है और स्पिन भी कर रही है, अर्थ की दो डायरेक्शन है, इस तरह से मूव भी कर रही है और स्पिन भी कर रही है, और स्पिनिंग होने पर या रोटेट होने पर क्या हुई, रोटेशन ऑफ अर्थ हो गई, तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होगा वो कंप्लीट नहीं हो पाया, सही है। तो मेरी सेकंड असम्पशन है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए वो क्या है, रोटेशन ऑफ अर्थ मस्ट बी कॉन्स्टेंट, ग्रेविटी मस्ट बी, या रोटेशन ऑफ अर्थ मस्ट बी निग्लेक्टेड, सही है, और ग्रेविटी मस्ट बी कॉन्स्टेंट। हाँ, वो आपको लग रहा भाई, उस अगर उस प्रोजेक्टाइल मोशन की बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो, आप अगर यहाँ से किसी ड्रोन को थ्रो कर रहे हो या किसी मिसाइल को थ्रो कर रहे हो, फर्ज कर लो किसी मिसाइल थ्रो हो रहा है किसी सर्टेन जगह पर, सही है, तो बेसिकली वो जो डायरेक्शन आपने सेट की हो, रोटेशन ऑफ अर्थ उस पर इफेक्ट करेगी, ऐसा तो नहीं है उस पर रोटेशन ऑफ अर्थ इफेक्ट ना करे, लैंडिंग स्पॉट्स बदल गया, तो इसका मतलब इसकी नेट मोशन क्या हो गई, या प्रोजेक्टाइल रही, हम सोच के तो प्रोजेक्टाइल गए थे लेकिन वो नेट मोशन में प्रोजेक्टाइल थोड़ी रहा, चेंज हो गया ना उसका, हो सकता हो कोई नए शेप का मोशन बन चुका हो उस वक्त, पैराबोलिक शेप तो नहीं रहा होगा ना किरण उसका, दिस इज बेसिकली द पैराबोलिक शेप ना, तो ये पैराबोलिक शेप नहीं रहा उसका। नाउ थर्ड पॉइंट, सही है, वो क्या है, मोशन शुड बी बॉन्डेड इन टू डायरेक्ट टू डायमेंशन, शुड बी बाउंडेड इन टू डायमेंशन, चाहिए, शुड बी बाउंडेड इन टू डायमेंशन, मतलब ऐसा ना हो कि वो थर्ड डायमेंशन में मूव करना शुरू कर दे, मतलब आप अगर किसी चीज को इस तरह प्रोजेक्टाइल मैं अलादीन गया वहां झूले में बैठा, तो वहां पर बेसिकली अगर आपको याद हो तो उसमें झूला जो था वो थर्ड डायमेंशन पे भी मूव कर रहा था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे तो कवर कर रहा है लेकिन थर्ड डायमेंशन में भी मूव कर रहा है, जिगजैग भी मूव कर रहा है, सही है, तो अगर वो इस तरह से मोशन कर रहा है, जिगजैग भी मोशन कर रहा है, तो जब वो टू डायमेंशन को क्रॉस कर जाएगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा, सही है, तो इस वजह से उसको बाउंड किया जाता है टू डायमेंशन के अंदर, थर्ड डायमेंशन में मूव ना करें, सही है, तीन अजम्पशंस हैं, इन तीन अजम्पशंस पर ही प्रोजेक्टाइल मोशन खड़ी हुई है, सही है, और यकीन नहीं हम अजम्पशंस मान रहे हैं जब ये चल रही है। नाउ अगर मैं आपसे बताऊं हॉरिजॉन्टल मोशन, ये बड़ी जबरदस्त बात है, हॉरिजॉन्टल
हॉरिजॉन्टल मोशन क्या होता है? अगर प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर आप नोट करो, तो मैं अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में, ये इसका हॉरिजॉन्टल मोशन है, एक्स एक्सिस। तो पहला पॉइंट तो याद रखना है, एक्स एक्सिस के लिए जो प्रोजेक्टाइल फायर किया गया है, जो भी प्रोजेक्टाइल फायर किया गया है, उसका जो एक्स कंपोनेंट है ना, उसकी इनिशियल स्पीड और एक्स कंपोनेंट की फाइनल स्पीड बराबर रहती है। मतलब एक्स कंपोनेंट की स्पीड क्या रहती है हमेशा, वो याद रखना, कांस्टेंट रहती है। इस बात को हम अभी आगे देखेंगे भी। मतलब एक्स कंपोनेंट जो भी होगा ना इसका, उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर 40 है 40, 50 है 50, और डायरेक्शन भी यकीन यही रहेगी, यहाँ पर भी यही रहेगी, यहाँ पर भी यही रहेगी, यहाँ पर भी यही रहेगी। तो ये हर पॉइंट के ऊपर एक्स कंपोनेंट की स्पीड क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। जब स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन है जीरो। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्स कंपोनेंट के अंदर एक्सेलरेशन क्या होगा, हमेशा याद रखना, जीरो। और स्पीड कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, एक्स या एस इज इक्वल्स टू वी टी, या फिर एक्स इज इक्वल्स टू वी इंटू टी। अब यहाँ पे वी नॉट एक्स लगा लो या वी एक्स लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसकी सेहत पर, सही है। नाउ अगर मैं बात करूँ वाई कंपोनेंट की, मतलब वर्टिकल मोशन की, क्योंकि तो इन दोनों को मिला के प्रोजेक्टाइल बना है ना, वर्टिकल मोशन की। तो वर्टिकल मोशन के अंदर अगर आप नोट करो, प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट के अंदर जो था वो क्या होना शुरू हुआ, चेंजेस आना शुरू हुई है, सही है। अब हो सकता है वो इस तरह से चेंजेस आना शुरू हुई हो, पहले इस डायरेक्शन में वो अपवर्ड गया, फिर उसके बाद वो कहाँ जा रहा है, बेसिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, सही है। तो ये हाइट थी, यहाँ पे आके मैक्सिमम जीरो हुआ, फिर उसके बाद क्या होना शुरू हुआ, कम होना शुरू हुआ, और यहाँ पे हिट करके क्या हो गया, वो जीरो बन गया। अगर मैं बात करूँ तो वेलोसिटी क्या होती है इसके अंदर, वो इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट जो है, वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट जो है, वी इनिशियल वी नॉट वाई, अरे यार, वी नॉट वाई इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा, सही है। और फाइनल वेलोसिटी कंपोनेंट आप फार्मूले से निकालोगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, फार्मूले से निकालोगे। और एक्सिलरेशन यहाँ पर क्या होगी, यकीनन कांस्टेंट नहीं है क्योंकि वेरिएशन है, तो एक्सिलरेशन बेसिकली आपके पास जो है वो ग्रेविटी के बराबर है, अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन में अलग अलग है। और थर्ड पॉइंट डिस्प्लेसमेंट के लिए आप एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे, ऐसे आराम से कैलकुलेशन नहीं होगी। मतलब पूरी इक्वेशंस ऑफ मोशंस इन्वॉल्व होंगी वर्टिकल मोशन के अंदर, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ही आप प्रोजेक्टाइल कैलकुलेशन कर पाओगे, प्रोजेक्टाइल मोशन की कैलकुलेशन कंप्लीट होगी या आप कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ मैं आता हूँ आगे थोड़ा सा स्लाइड के ऊपर, और फिर अब हमें समझ में आएगा थोड़ी सी चीजों के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट्स सी, ये आपके पास आया था वर्टिकल मोशन के ऊपर। नाउ एक चीज और, वो ये कि प्रोजेक्टाइल जब आप लॉन्च करते हो, डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट वैल्यूज आती है, तो उसमें लॉन्चिंग एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम एक काम करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन की जो डेरिवेशंस थी तीन, हम उन डेरिवेशंस को करते हैं, और फिर उसके बाद इन लॉन्चिंग पीरियड्स के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं कि क्या हो क्या रहा है, क्या कह रहा है। तो तीन डेरिवेशंस थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो आपने करी भी होंगी। मैं इन डेरिवेशंस की डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, मैं बस आपको आइडिया दूंगा थोड़ा सा। एक प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट है, मैं इनकी डेरिवेशन करके दिखा देता हूँ। उसका एंगल है थीटा, प्रोजेक्टाइल फायर गया थीटा से, और उसकी इनिशियल स्पीड है वो है वी नॉट, और उसका एक्स कॉम्पोनेंट जो हो जाएगा वो वी नॉट एक्स हो जाएगा, और वाई कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, वो वी नॉट
फायर हो जाएगा। सही है, प्रोजेक्टाइल फायर किया गया और सर्टेन एंगल पर किया गया है, वो क्या है, थीटा। सही है, अब ये हाइट है, सही है, इस हाइट पर उसको पहुंचना है, तो टाइम कितना लगेगा इस हाइट तक पहुंचने के लिए। बहुत आसान काम था, इंतहाई आसान काम था। जब ऑब्जेक्ट थ्रो किया गया है तो उसकी इनिशियल स्पीड थी वी नॉट वाई, क्योंकि हम हाइट वर्टिकल कंपोनेंट पर डील कर रहे हैं टाइम। सही है, तो वी नॉट वाई जो है एक्चुअली वी नॉट, मैंने आपको बताया साइन थीटा के बराबर है, ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन क्या है माइनस जी के बराबर है। सही है, और टाइम निकालने का फार्मूला क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। एक मैक्सिमम पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर, मतलब अगर मैं ओ से फायर किया है ए तक पहुंचा है, तो पी एफ फाइनली इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। सही है, तो इनिशियल इसकी स्पीड क्या थी, अगर आप नोट करो, वो क्या थी, वी नॉट साइन थीटा और माइनस जी टाइम्स ऑफ टी। और अगर आप नोट करो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इधर ले जाऊंगा, टी को वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। एक्चुअली टाइम कैलकुलेशन आ गई है, आपको बस एंगल पता हो और इनिशियल स्पीड पता हो, तो आप टाइम बता दोगे इतने टाइम तक ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे टोटल टाइम ऑफ लाइट, तो यकीनन आप क्या कर दोगे, ट्वाइस कर दोगे, कैपिटल टी इज इक्वल टू टाइम फॉर अपवर्ड प्लस टाइम फॉर डाउनवर्ड इज इक्वल टू 2 टाइम्स वी नॉट साइन थीटा ओवर जी, दिस इज टोटल टाइम ऑफ लाइट। अगर कोई आपसे पूछे भाई हाइट बताओ, कितनी हाइट तक पहुंचेगा वो, सही है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लेट्स सी, बहुत आसान है। एच हाइट कैलकुलेट करनी है, इनिशियल स्पीड क्या थी, हाँ वी नॉट साइन थीटा, और फाइनल स्पीड क्या थी, वो 0 हो गई थी। सही है, और हमारे पास, मैं यूं फार्मूला लगा लेता हूँ, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर, ये ज्यादा आसानी से निकलता है, दूसरा वाले फार्मूले से बहुत लंबा हो जाएगा। एक्सीलरेशन ऊपर जाते हुए माइनस जी, तो एच इज इक्वल टू वी एफ 0 है माइनस वी आई वी नॉट साइन थीटा का स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स ऑफ जी, माइनस साइन के साथ माइनस माइनस कैंसिल हो गया, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, ये फार्मूला आ गया। तो आपके पास कैलकुलेशन करके हमने नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g ये फार्मूला डेवलप कर लिया किसके लिए, हाइट के लिए। अब वो ये वर्टिकल कंपोनेंट्स कंप्लीट हो गए, अब वो आपसे अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के हवाले से कुछ पूछ ले, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के हवाले से पूछे, भाई यहाँ से एक्स एक्सिस पे हाइट तो वाई एक्सिस हो गई ना, एक्स एक्सिस पे यहाँ से यहाँ तक दिया, इसको एक्चुअली हम अपना नाम देते हैं रेंज, इस प्रोजेक्टाइल मोशन कहाँ तक पहुंचेगा, इसकी रेंज क्या होगी। एक्स एक्स कंपोनेंट के ऊपर की बातें करेंगे, एक्स कंपोनेंट में थोड़ी सी चेंजेस हैं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में चेंजेस क्या है, वो चेंजेस ये हैं भाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में एक्सेलरेशन क्या होता है, वो 0 होता है, जो इनिशियल स्पीड होती है वही फाइनल स्पीड होती है, इनिशियल स्पीड वी नॉट एक्स, मतलब वी नॉट कॉस थीटा, एक्स का मतलब वी नॉट कॉस थीटा, वही फाइनल स्पीड के बराबर होती है। सही है, अब आपके पास फार्मूला है एस इज इक्वल टू वी टी, अच्छा एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस आप ए टी स्क्वायर होता है, उसमें ए की वैल्यू 0 हो गई, तो एस इज इक्वल टू वी टी फार्मूला बन जाएगा। आई बात समझ में, तो एस इज इक्वल टू वी टी, एस की वी 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 की जगह पे आप क्या लिखोगे, फार्मूला इनिशियल स्पीड क्या है आपके पास, वी नॉट कॉस थीटा टाइम्स ऑफ टी, टी का मतलब ये है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बनेगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम उस तक पहुंचने के लिए, अभी ऊपर हमने टोटल टाइम कैलकुलेट किया है, सही है, 2v0 sin θ ओवर जी, तो हम टोटल टाइम इसके अंदर पुट कर देते, हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगी, टोटल टाइम इस फार्मूले में कैलकुलेट कर देते, इसका मैं नाम रख देता हूँ एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा, टोटल टाइम क्या था, वी नॉट साइन थीटा, 2v0 sin θ ओवर जी।
नीचे, तो एक्स इक्वल्स टू वी नॉट वी नॉट वी नॉट स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी, और टू साइन थीटा हमें पता है कॉस थीटा किसके बराबर होता है, दिस इज रेंज वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा ओवर जी, सही है। रेंज मैक्सिमम कहाँ होती है, एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, याद रखना ये पॉइंट, सही है। तो आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर ओवर जी, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ये आपके पास कंप्लीट हो गई है कंडीशन, ये पूरा एक आर्टिकल था जो मैंने पूरे डेरिवेशन के साथ करवा दिया। बड़ा अब मैं वापसी आता हूँ अपनी कंडीशन पे। तो वो कहता है एंगल रेंज के ऊपर है, देखो अगर आप नोट करो प्रोजेक्टाइल लॉन्चेस एट डिफरेंट एंगल्स 30, 45, 60। 30 पे और 60 पे वैल्यूज एक मिल रही है रेंज, जबकि 45 पे मैक्सिमम जा रही है जो मैंने आपको बताया। 30 पर 5 मिनट रुक जाते हैं, अच्छा 30 डिग्री पर और 60 डिग्री पर अगर आप नोट करें तो 30 डिग्री पर हाइट कम थी और 60 डिग्री पर हाइट क्या हुई है, बेसिकली ज्यादा हुई है। अगर आप नोट करो इस पे हाइट कम थी, इस पे हाइट ज्यादा हुई है, लेकिन रेंज अगर आप नोट करें तो दोनों की रेंज सेम है 30 और 60 की, जबकि 45 पे रेंज क्या हुई है, ज्यादा मिली है। तो रेंज डिपेंड कर रही है बेसिकली वेलोसिटी और एंगल दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है, लेकिन एक सर्टेन एंगल के बाद वो कम होना शुरू हो जाती है। 45 से तक पहुंचते पहुंचते बढ़ती है, फिर 45 से कम होके जो आ जाती है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो एक सवाल है जैसे पॉसिबल एंगल्स के ऊपर बात करते हुए कि अगर फर्स्ट एंगल अगर 30 डिग्री है जिसपे रेंज सेम है, तो अदर वो कौन सा एंगल होगा अगर कभी भी पूछ ले जिसपे रेंज सेम मिलेगी, तो वो 60 होगा, हमेशा कॉम्प्लीमेंट होगा, ये बात लिख लो अपने पास। हाँ 45 90 में से 45 45 का 45, तो इसका मतलब 45 इज अ यूनिक एंगल एट विच इट इज मैक्सिमम। तो ये बात याद रखना, अगर अपने पास लिखना चाहते हो तो भी लिख लो कि एंगल अगर कभी अदर पॉसिबल एंगल कैलकुलेट करना होगा, आपको फर्स्ट एंगल पता हो अगर कोई भी, तो सेकंड एंगल मस्ट बी द कॉम्प्लीमेंट एंगल, चाहे 90 डिग्री में से माइनस करो, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोजेक्टाइल मोशन मैक्सिमम जो होगी वो 90 डिग्री तक जा रही है, 90 डिग्री से कम होगी, सही है। मैक्सिमम रेंज इज अचीव्ड इफ द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल एंगल, तो मैक्सिमम रेंज उसी वक्त मिल सकती है। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, अगर आप नोट करें 30 डिग्री एंड 60 डिग्री हैविंग अ सेम रेंज व्हाइल द हाइट आर डिफरेंट, हाइट आर डिफरेंट बट द हैविंग अ सेम रेंज। सिमिलरली अगर आप नोट करो 75 डिग्री एंड 15 डिग्री अगर आप नोट करो तो वो क्या हो रहा है, सेम है, कॉम्प्लीमेंट भी तो है। इसी तरह 60 और 30 कॉम्प्लीमेंट भी तो है, और 45 क्या है, वो मैक्सिमम रेंज प्रोड्यूस कर रहा है, सही है। तो लेकिन हाँ यहाँ पर अगर गोल मारना है तो तुम्हें 30 डिग्री का एंगल चाहिए, ये याद रखना, वरना अदरवाइज 45 के एंगल पे बाहर निकल जाएगी बॉल गोल से। इसका हरगिज मतलब नहीं है हर दफा यही लगेगा, लेकिन ये कि ये ट्रेजेक्टरी एंगल्स जो होते हैं इसकी, हमें ये एंगल्स डिफरेंट एंगल्स पर डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। आपकी बुक में भी ये ग्राफ जो है इस टाइप इससे रेवलेंट है, कलरफुल नहीं है वो गिवन है। नाउ इफ वी टेक्स प्रोजेक्टाइल अ सेकंड टू रेस इट्स पीक इट विल
टेक अ टोटल 8 सेकेंड टू मूव थ्रू द एयर फ्रॉम स्टार्ट टू द फिनिश पॉइंट. अगर आप नोट करो, एक प्रोजेक्टाइल फायर किया गया 40 की स्पीड से, फिर उसकी स्पीड ऊपर पहुंचते पहुंचते क्या हो रही है, कम हो रही है, यकीनन कम होगी, 30, 20, 10. फिर वापसी जब नीचे आ रहा है तो क्या हो रही है, बढ़ना शुरू हो गई इसी तरह से. अगर वो सेम हाइट पर कैच हो रहा है. इन कंक्लूजन, प्रोजेक्टाइल इज एन ऑब्जेक्ट अपॉन विच द ओनली फोर्स इज ग्रेविटी. प्रोजेक्टाइल ट्रेवल विद अ पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी. ये याद रखना, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑलवेज रिमेम्बर द पॉइंट इट इज पैराबोलिक. सही है. और देयर आर नो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन अपॉन प्रोजेक्टाइल, नो हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन, देयर इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. अच्छा, इस बात को मैं प्रूफ करने की कोशिश करूंगा अभी थोड़ी सी देर में ना. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट जो है वो कांस्टेंट क्यों है, मैंने क्लास में भी इस बात को थोड़ा सा डिस्कस किया था. बड़ा अच्छा एक है ये वीडियो, आपको शायद समझ में आएगी अगर आप देखोगे तो बड़ा MIT के टीचर है वॉल्टर लुइन, उनकी वीडियो है ये. और इन्होंने अच्छा एक्सप्लेन किया था MIT में कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है. याद है आप लोगों को? तो आ गई वीडियो, प्लेयर पे आएगी, कहाँ आएगी, ये स्क्रीन शेयर पे नहीं चलेगी. 10 मिनट रिमेनिंग. अच्छा जी, 1 मिनट चला दो भाई इसको. अच्छा, मेरे पास ओपन विद वाला मसला भी तो ये किया हुआ है ना मैंने, उसको स्क्रीन प्लेयर खोल देगा वो फॉरन, ओपन विद मैंने उस पर किया हुआ है, उसने वो खोल दिया होगा. चलो ये भी आएगा, अभी एक चीज और भी खुलेगी. ये बंद हो जाए, ये खुल गया ना. ये आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा, मैं पहले आइडिया पहले शेयर कर देता हूँ. आइडिया ये है कि भाई ये जो है ना, आपके पास फायर मशीन, फायर गन है, फायर गन जो है फायर कर रही है. इसकी अगर मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रखूंगा तो ये फायर गन को अगर मैं प्लेस करूंगा इस तरह से, तो ये आपके पास क्या होगा, अगर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट कांस्टेंट होगा, इसका और इसका बॉल के अंदर का, तो ये सीन दोनों एक दूसरे को आगे टकराएंगे. क्योंकि अगर इसकी स्पीड हॉरिजॉन्टल स्पीड 30 थी और प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है उसकी भी 30 ही है अगर, तो एक दोनों एक दूसरे को एक वक्त आएगा कि मीट करेंगे लैंडिंग करते हुए. लेट्स सी, अब ये फायर करके पहले स्टेट मोशन चेक कर रहे हैं, फायर प्रॉपर कर रहा है नहीं कर रहा. हाँ सही है. और फिर उसके बाद प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर जो है ना वो आपके पास एरर आ सकता है. सही है. तो एरर प्लस माइनस सेकेंड्स का हो सकता है, तो उसको रिमूव करने के लिए जो है ना वो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे एरर रिमूव हो जाएगा कि प्लस माइनस 1-2 सेकेंड्स, 0.सेकेंड्स का हो सकता है. फायर मशीन में इन्होंने फिर ये लोड करी है और अब ये फायर करने जा रहे हैं. तो इसकी जो स्पीड होगी एक्स एक्सिस की वो 40 है या जो भी स्पीड है, और अगर फायर गन करें और प्रोजेक्टाइल मोशन हो तो उसकी स्पीड भी एक्स कंपोनेंट की सेम रहेगी. सही है. अब ये ट्रिगर करेंगे, ये फायर हो जाएगा इससे. सही है. और यहाँ पे आएगा तो इन दोनों की एक्स कंपोनेंट की स्पीड सेम होगी, तो ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, अदरवाइज ये कोलाइड नहीं करेंगे. सही है. तो ये देखा, सही है. तो ये आपके पास काम हो गया, मतलब ये आपके पास वर्क किया है इसने. हाँ, अगर आप नोट करो, ये प्रोजेक्ट मोशन की एक्स कंपोनेंट है और ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एक्स कंपोनेंट, या एक्स कंपोनेंट की स्पीड है. अगर आप नोट करो, ये मैं फिर से दिखाता हूँ आपके पास जो है वो, ये अगर इसका जो एक्स कंपोनेंट आ रहा है ना, ये एक्स कंपोनेंट की स्पीड है और ये प्रोजेक्टाइल मोशन की एक्स कंपोनेंट की स्पीड है.
दोनों की दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो मीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी क्या रहेगी स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक, कांस्टेंट है। सही है, समझ में, जिससे हमें आइडिया हुआ कि हाँ यार ऐसा हो रहा है। हाँ वो प्लस माइनस एरर्स तो होते हैं थोड़े बहुत। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने एक्स कंपोनेंट पे ये डिस्कशन किया, वापसी उसको हम चेक कर लेते हैं लास्ट क्या रह गया है उसमें। तो ये हमारा ये स्लाइड भी कंप्लीट हो गई थी जो हमने करी थी, और हमने डेरिवेशंस भी कंप्लीट कर ली हैं इसकी। जाइए ये इंक्लाइंड प्लेन कहाँ से आ गया, डेरिवेशंस भी इसकी कंप्लीट कर ली हैं। एप्लीकेशन गूगल क्लासरूम ज्वाइन क्लास कोड जो आपके पास ये आ जाएगा, आप लोगों ने इसको ज्वाइन करना है। सही है, गूगल क्लासरूम को, और गूगल क्लासरूम के अंदर जो है उसमें ज्वाइन करने पर आपको क्लास कोड मांगेगा। क्लास कोड आपके पास जो आएगा, मैं अभी व्हाट्सएप भी कर दूंगा, वैसे ही आपके पास लिखना चाहो तो लिख लो, ये आप लोगों ने क्लास कोड ज्वाइन कर लेना। इस पे सारा डाटा आपके पास जो लेक्चर आता रहेगा वो मैं अपलोड करता रहूंगा, जैसे मैं यहाँ से ये जितने भी पीपीटी फाइल्स हैं, सही है, ये मैं अपलोड कर रहा हूँ अपने पास से। और हाँ क्या करें, गूगल को दे रहे हैं हम लोग अपना सारा डाटा। हाँ हाँ जी हाँ, वो मसला नहीं होगा ना, वो गूगल क्लाउड कर देगा ना उसको। एक मिनट रुक जाओ वे यार, मैं यहाँ सारा डाटा इस पे सेव कर रहा हूँ। अच्छा अभी नेक्स्ट पीरियड में आना है आप लोगों ने क्लास लेनी है या थक गए, मुझे रिप्लाई कर दो, थक गए हो या क्लास लोगे अभी नेक्स्ट पीरियड में आओगे। क्या कह रहे हैं बच्चे हैं? बच्चों से पूछ लो, तुम लोग क्या कह रहे हो भाई? हाँ ग्रेविटेशनल मोशन, मॉडर्न फिजिक्स पे कहाँ आ गया मोशन? क्या है बताते हैं तुम लोग, क्या मशवरे करोगे क्या? फिर लाइन से करके आ रहा है ना, ऐसे नहीं जा रहा, मैं फिर ईमेल कर दूं क्या? है वहां से ये, फिर ईमेल ही कर देता हूँ मैं। जी सही, इसको फिर मैं ईमेल कर देता हूँ। आ गई फाइल, हाँ वो एक फाइल आई है ना यहाँ पे इनक्लाइन, इसकी पीपीटी 10 PPTs हैं चैप्टर 3 की। अब वो 10 PPTs छोटी, मैं इस तरह से कह रहा हूँ 10 PPTs का फिर मसला रहेगा, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि 10 PPTs आप कैसे करोगे फिर, 10 को फिर लाइन से करना पड़ेगा। अच्छा आ गई फाइल, ओके ओके। अच्छा आप लोगों को गूगल क्लासरूम के अंदर से मटेरियल मिल जाएगा। अच्छा मैं हफ्सा, आप मुझसे प्रॉब्लम भी पूछ रही थी, तो भाई यही मैं बात कहूँगा, मैं फिर से कह रहा हूँ वही कि जो मैं आपको प्रॉब्लम दे रहा हूँ ना गूगल DOC के ऊपर, वो प्रॉब्लम्स टफ होते हैं, उसमें टाइम नहीं होता, बाउंडेड नहीं होता। तो आपकी मर्जी, आप टाइम बाउंडेड अगर नहीं
तो आप उसको जो है वो जितना टाइम लेके कर सकते हो, ग्राफिकल टफ होते हैं, तो के मारना शुरू कर दो, उसको कैलकुलेट करो, आगे पीछे देख लो, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त जब कैलकुलेशन कर रहे हो तो असाइनमेंट के तौर पे उसको ऐसे सॉल्व करो, और जो नहीं कर रहे तो क्या ही बात है, तो छोड़ दे, वो तो अलग ही बात है, लेकिन ये है कि भाई इसको इस तरह से सॉल्व करो। कर लिए हैं, पता नहीं मुझे नहीं मिले अभी तक, मेरे पास आ जाता है फॉरन अपडेट। क्या करना है अभी, नेक्स्ट पीरियड में फिर आते हैं, सही है, फिर नेक्स्ट पीरियड में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, लेस देन 1 मिनट है हमारे पास, फिर नेक्स्ट पीरियड में आते हैं, नेक्स्ट क्लास नहीं लूँ, सही है, चलो तुम लोग क्या कह रहे हो। अच्छा मेरा मसला नहीं है, देख लो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप लोगों के पास 1.5 महीना है, मैंने अभी 2 चैप्टर हुए 20 चैप्टर पढ़ाने मेरे पास, और आज ये भी खत्म हो गया, फिर से फिजिक्स का ये भी खत्म हो गया, अभी आपके 2 चैप्टर में से भी आधा